ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ़र्क क्या आता है और बेसिकली फ़र्क क्या था, किसी को याद है ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या रहा? हाँ, जो ट्रांसमिशन में हमारा मेन क्राइटेरिया होता है कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज में ड्रॉप हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मेन क्राइटेरिया होता है वोल्टेज, कि वोल्टेज हर जगह बराबर पहुंचना चाहिए, करंट तो अलग ऊपर नीचे हो जाएगा, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे कोई कम करंट लेगी कोई ज़्यादा करंट लेगी, लेकिन वोल्टेज हर जगह बराबर पहुँचना चाहिए। ट्रांसमिशन में हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि करंट आप जितनी इधर से उधर तक भेज रहे हो पूरी करंट इधर से उधर तक पहुँचनी चाहिए, वो मेन क्राइटेरिया होता है। सो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या लिखी हुई थी, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन पार्ट ये आता है कि जब एक बार आपने पावर जनरेट कर दी और एक एंड से दूसरे एंड तक भेज दी, तब उसके बाद वहाँ पर उस पावर का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। यूटिलाइजेशन का मतलब कंजम्पशन, जो कंज्यूमर्स हैं वो उस इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, जिसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, घरों के अंदर जिस तरह कंजम्पशन होता है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन होता है, कई तरह की चीज़ें, मोटर्स हो गए, हीटिंग पर्पजेस के लिए हो गया, सेवरल थिंग्स। यूटिलाइजेशन के अंदर आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका यूटिलाइजेशन वाला कोर्स आएगा, उसी में ट्रैक्शन भी आएगा। ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ट्रैक्टर क्या करता है, पुलिंग कैपेसिटी उसके अंदर होती है ट्रैक्टर के अंदर, तो उसी से वर्ड बना है ट्रैक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा वेट को खींचने की जब कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज ट्रैक्शन। और हमारा पर्पस जो होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, एक अलग से सब्जेक्ट होगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, और उसमें हमारा मतलब होगा जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स होते हैं ट्रेन्स, उनके सारे डिज़ाइन के बारे में और सबके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो यूटिलाइजेशन और ट्रैक्शन आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर होगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस सेमेस्टर में है, और एक और सब्जेक्ट आपके जो लास्ट पार्ट्स में दे रखा है, दैट इज स्विचगियर एंड प्रोडक्शन। स्विचगियर एंड प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जनरेशन के टाइम पे, ट्रांसमिशन के टाइम पे और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, पूरे इसके दौरान जो पावर है उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको कौन कौन सी उसके अंदर रखनी है, उसके अंदर आपको सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन सी रखनी है, और रिलेज हो गए, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, किस तरह से आपको लगाने हैं, स्कीम्स, प्रोडक्टिव स्कीम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीसी जनरेटर है, क्या कोई जना मेरे को बता सकता है कि डीसी जनरेटर में अगर प्राइम मूवर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? प्राइम मूवर ने काम करना बंद कर दिया, क्या होगा? जनरेटर बंद हो जाएगा, उसमें से सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम बताइए, अगर उसमें डीसी जनरेटर में अगर वो चल रहा है, प्राइम मूवर चल रहा है अच्छा खासा, और फील्ड जो है, फील्ड याद है, उसमें फील्ड देते हैं, उसमें फील्ड में सप्लाई देते हैं, फील्ड के कनेक्शंस टूट गए, तब क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा, फ्लक्स उसके अंदर नहीं बन रहा, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो, और आउटपुट स्पीड विल बी, स्पीड कितनी होगी उसकी, स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होगी कि उतनी उतनी रहेगी? लेट अस अज्यूम कि जनरेटर वॉज रनिंग ऑन लोड, लोडेड कंडीशन में, फुल लोड पर रन कर रहा था जनरेटर। अब ऐसे कंडीशन में फील्ड जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, फील्ड डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर फुल्ली लोडेड कंडीशन में चल रहा है, फुल लोड पर रन कर रहा है जनरेटर, और उसके बाद उसमें फील्ड सप्लाई उसके डिस्कनेक्ट हो गई, तब उसमें क्या होगा, स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड बढ़ जाएगी, दैट्स करेक्ट, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उस पर लोड वो कैरी नहीं करना पड़ रहा, लोड इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिकल लोड में वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो करंट उसके अंदर फीड नहीं करनी पड़ रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसा कि आपने अपने लैब में भी देखा होगा, अगर आप उस पर लोड बढ़ा देते हैं तो जो प्राइम मूवर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है, बेसिकली इट वॉन्ट्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से बन के आ रही है? मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर आ रही है। ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी अगर आप उतनी की उतनी दे रहे हैं, उतनी स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं, तो बेसिकली रोटर की स्पीड कम हो जाएगी, उस तरह से हो जाता है। ठीक ठीक, सो दिस इज अबाउट स्विचगियर एंड प्रोडक्शन के अंदर आप बेसिकली क्या करेंगे, मान लीजिए आपको डीसी जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है, तो आप उसमें ये वाला काम करेंगे कि एक स्कीम बनाएंगे। स्कीम आपने बनाई,
कि डीसी जनरेटर के अंदर कितने पॉसिबल उसके अंदर फॉल्ट आ सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ सकती हैं, और हर प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसके अंदर एक रिले या चेक करने वाले कोई भी डिवाइस ऐसा लगाएंगे, उसे काउंटरैक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ लगाएंगे, दैट इज बेसिकली स्विच ग्रिड प्रोडक्शन। ठीक है, वो वाली चीज़ें आपको अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में आपको मतलब केवल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके फिफ्थ यूनिट के अंदर है, और शुरू के चार, एक्चुअली तीन, शुरू के तीन जो यूनिट्स हैं दैट इज अबाउट ट्रांसमिशन। फोर्थ यूनिट दैट इज अबाउट अंडरग्राउंड केबल्स, मतलब ट्रांसमिशन दो तरह से कर सकते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओवरहेड वायर्स, और अंडरग्राउंड केबल्स, दो तरह से कर सकते हैं। और ओवरहेड वायर्स में और अंडरग्राउंड केबल्स में अभी क्या डिफरेंसेज हैं वो अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं, लेकिन शुरू के तीन यूनिट्स के अंदर आप उसमें ये देखेंगे कि उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशंस क्या हैं। अगर आपको एक पावर सिस्टम बनाना है और उसमें ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करनी है, तो उसमें आपको मैकेनिकली कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकली कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर समथिंग कॉल्ड सैग। सैग जानते हो सैग क्या होती है? सैग मतलब जो सपोर्ट्स के बीच में जो आपने तार लगा रखा है उसके अंदर जो सैग होती है, झोल, जिसे हम झोल कहते हैं। तो सैग कंसिडरेशन किस तरह से है? अगर सैग एक लिमिट से कम कर देंगे तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी और फायदे क्या होंगे? सैग कम करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? टेंशन बढ़ जाएगा 10 कैरेट। अगर सैग आपने कम कर दी, दो पोल्स जिसके बीच में तार हैंग कर रहा है, इसमें अगर आपने सैग विच इज दिस डिस्टेंस, पोल के टॉप से लेकर के इसका जो वर्टिकली जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, दैट इज बेसिकली नोन एज सैग। तो ये सैग अगर आपने कम कर दी तो बेसिकली क्या होगा, दिस इज पुलिंग द पोल्स, ये यहां से इसको इधर से खींच रहा है, इसको इधर से इधर खींच रहा है, तो वो टेंशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका ये जो तार है, इस तार की लंबाई कम हो जाएगी, ये आपके लिए फायदा है। तो आपको कंडक्टर जो है, कंडक्टर का मतलब ये तार जो हो गया, जो आपने मेटल जो लगा रखा है, और ये भी कई मेटल, कई तरीके का मटेरियल्स होता है, विल स्टडी अबाउट दोज मटेरियल्स, तो ये कम यूज होगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन आपको करस्पॉन्डिंगली जो पोल्स आपने लगा रखे हैं, यानी पोल्स यानी कि सपोर्ट्स, वो सपोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। जितने आप सैग कम करते जाएंगे उतना कंडक्टर कम यूज होगा, लेकिन सपोर्ट्स की स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। दिस इज वन थिंग। अगर आप सैग कम करने के बजाय अगर ज़्यादा करते हैं, तब फायदे क्या है, नुकसान क्या है? टेंशन कम हो जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा है भाई। ऑब्वियसली जो नुकसान था, नुकसान का फायदा हो जाएगा, फायदे का नुकसान हो जाएगा, और इसमें कंडक्टर आपके लिए ज़्यादा लगेगा। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप सैग कर देते हैं, तब एक और नए तरह का नुकसान आ जाएगा। करेक्ट। इसके और ग्राउंड के बीच में, ये बेसिकली ग्राउंड है, ग्राउंड पोटेंशियल है जीरो वोल्ट्स। तार के और ग्राउंड के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेट अस से दिस इज ऑपरेटिंग एट 132 kV, 132,000 वोल्ट्स पर, दिस इज एट जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्ट्स। तो ऐसे में बीच की जो एयर है, वो एयर अगर ब्रेक डाउन हो गई, मतलब कहने का ये है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपने डिस्टेंस मतलब बढ़ा दिया, और ये तार मान लीजिए किसी तरीके से ऐसा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर एक लिमिट से कम हो जाएगा, तो बीच की पूरी एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब आयनाइजेशन हो जाएगा, और आयनाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, इसमें से लीकेज करंट फ्लो करती हुई ग्राउंड में पहुँचनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स पूरा सिस्टम आपका बेकार हो गया, जल जाएगा पूरा, सब फूक जाएगा। तो ये दिस इज वन क्राइटेरिया, ये मैकेनिकल क्राइटेरिया हो गए कि मैकेनिकली आप कौन कौन से चीज़ों के अंदर इसमें ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं, सस्पेंशन टाइप होते हैं, स्ट्रेन टाइप, ये सब चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर लगे हुए हैं, लैब में आपके लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो आपको देख रहा था, फिर देन समथिंग और कोरोना, कोरोना इफेक्ट होता है, विल सी दैट, वो डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज होता है, तो उसके बारे में, ये सब चीज़ें मैकेनिकली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन सुनिए, आपके पास एक 100 किलोमीटर लंबी लाइन है, 100 किलोमीटर लंबी लाइन है, उस 100 किलोमीटर लंबी लाइन की रेजिस्टेंस कितनी है, इंडक्टेंस कितनी है, और कैपेसिटेंस कितनी है, RLC, उसमें से कौन कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी, कौन कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कोई बता सकता है मेरे को? R एग्जिस्ट करेगा, करेगा, डेफिनेटली करेगा। LB करेगा, C नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर इज ओनली वन कंडक्टर, लेकिन होता क्या है, दो जो तार होते हैं, ये दो तार जा रहे हैं,
दे आर एक्टिंग लगे पैरल प्लेट कैपेसिटर, ये मेटल है, ये मेटल है और बीच में एयर है विच इज एक्टिंग लगे डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक की तरह से, तो ये कैपेसिटेंस भी इसके अंदर हो जाती है। अब आप इसकी रेजिस्टेंस को कैसे मानेंगे, मतलब आप रेजिस्टेंस कैसे मानेंगे इस पूरे तार की रेजिस्टेंस, 100 किलोमीटर लंबी लाइन की तार की जो रेजिस्टेंस थी दैट वाज से 2 ओम्स, 2 ओम्स थी। अब वो 2 ओम कहाँ है, ये मान लीजिए सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड जहाँ से पावर आप भेज रहे हैं, ये रिसीविंग एंड है, यहाँ पे आपने लोड लगाया हुआ है। अब वो 2 ओम की रेजिस्टेंस जो है, 100 किलोमीटर लंबी लाइन की जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है, वो 2 ओम की रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली, ठीक, पूरे ताकि इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे में आप इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करते हैं, अलग अलग तरह के उसके मॉडल्स होते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए मॉडल अलग तरह के होते हैं, मीडियम लेवल के ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए मॉडल अलग तरह के होते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए अलग तरह के मॉडल होते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स में आप ये मान सकते हैं लेस देन 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर से छोटी लाइन है, आप ये मान सकते हैं कि पूरी रेजिस्टेंस इज 1, केवल खाली एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इकट्ठी है, ये फॉर एग्जांपल से 0.5 ओम्स की पूरी रेजिस्टेंस यहाँ पर इकट्ठी है, एक जगह आपने उसको मान लिया लम्प्ड, लम्प करी हुई, लम्प्ड, लम्प का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करा हुआ, पूरा पूरा आपने लम्प करके एक तरफ आपने मान ली, ऐसे ही आपने उसकी इंडक्टेंस भी लम्प्ड मान ली, इंडक्टेंस भी, और कैपेसिटेंस आपने इसके अंदर इग्नोर कर दी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए कैपेसिटेंस इग्नोर कर देते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन्स के मॉडल कुछ और तरह के होते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स के अलग तरह के मॉडल होते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको इसके अंदर देखनी है। अच्छा, इसमें फिगर 1.2 में मेरे पास जेबी गुप्ता वाली किताब है, लेकिन कोई सी जो भी आप किताब ले लें, हर एक केंद्र ये वाला डायग्राम दे रखा होगा, टिपिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, और इट्स लाइक दिस। ट्रांसमिशन दो तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह का होता है, ट्रांसमिशन इज प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो होता है दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज रेटिंग। प्राइमरी ट्रांसमिशन की वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन की कम होती है थोड़ी, इससे ऐसी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वोल्टेज रेटिंग कम होती है। तो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर है, ये हमारी जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर जनरेशन हो रहा है 11 kV पर, 11 kV से आप उसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप करके आपको मिलता है प्राइमरी ट्रांसमिशन PT। प्राइमरी ट्रांसमिशन इज एट से 220 kV। इसकी वैल्यूज क्या क्या चीज़ें होती है मैं बताता हूँ अभी। इसमें 220 kV लेकर रखा है, कुछ रेंज होती है, सारे 220 kV की नहीं होगी, 132 kV भी प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर आ जाता है। इसके बाद में ये पहुँचेगा आपका ट्रांसमिशन सबस्टेशन पे, दिस इज ट्रांसमिशन सबस्टेशन। ट्रांसमिशन सबस्टेशन से आपको मिलेंगी सेकेंडरी ट्रांसमिशन की लाइन्स, सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो है दिस इज एट 33 kV। सेकेंडरी ट्रांसमिशन की वैल्यू इसमें जो करके दैट इज 33 kV, और ये जाने के बाद में देन यू गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आपको मिलेगी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन्स, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एट 11 kV अगेन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एट 11 kV। और इसके बाद में फिर आएंगे यहाँ पर जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो आपने रोड पे कई सारे आपने पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स लगे हुए देखे होंगे, वो आते हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स, और ये होगा यहाँ पे पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स, और यहाँ पर आपको मिलता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एट 440 वोल्ट्स। अब इसमें
जनरेशन वोल्टेजेस इसमें सारी वैल्यूज दे रखी हैं। जनरेशन वोल्टेजेस नॉर्मली 3.3, 6.6, 11 और 33 केवी होता है। सबसे ज़्यादा सूटेबल वैल्यू होता है दैट इज 11 केवी। 11 केवी पर नॉर्मली जनरेशन करते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस आर 110, 132, 230 और 400 केवी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस तक आपको ट्रांसमिट करना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बाय द वे, क्या किसी को ये आइडिया है कि ट्रांसमिशन करने के लिए वोल्टेज को स्टेप अप क्यों कर देते हैं, 11 केवी के बजाय 220 केवी क्यों कर दें? लेस आई स्क्वायर आर लॉस। हाँ, और क्या करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब हर तरह से आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। दैट्स टू, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो परसेंटेज लॉसेस जो हैं, परसेंटेज लॉसेस की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कर रही है इधर से उधर तक, अगर डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट अगर इधर से उधर तक फ्लो कर रही है, इसका मतलब लाइन जो आपने बना रखी है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी फिक्स्ड है। अगर स्टेप अप कर देते हैं, करंट की वैल्यू कम अगर हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर जाएगा। ये वाली चीज़ें भी सब डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सब कम हो जाता है। सो यू बेसिकली यू ट्राई टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन वोल्टेज एज मच एज पॉसिबल। सेकेंडरी ट्रांसमिशन इज एट 33 और 66 केवी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस आर 11, 6.6 और 3.3 केवी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। ठीक, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो फीडर में और डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क क्या हो गया? फीडर इज बेसिकली विच फीड्स द पावर, जो ट्रांसमिट करता है। फीडर बेसिकली क्या है? फीडर वो है जो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पावर को इधर से उठा करके वहां तक फीड कर देगा, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। उसको डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम कर रहा है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम कर रहा है उतने ही वोल्टेज पर हर अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम्स। अगर आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पहले ट्रांसमिशन ले लेते हैं, ट्रांसमिशन के लिए डीसी सिस्टम अगर आप यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा फायदेमंद है, कौन सा नुकसान वाला है? डीसी के अंदर अपने कुछ फायदे हैं, एसी के अंदर अपने कुछ फायदे हैं। तो लेट मी रीड दिस। डीसी फायदेमंद ज्यादा समझा गया है, क्यों? डीसी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बच जाती हैं? सबसे पहली बात, खाली 2 कंडक्टर चाहिए होते हैं आपको। एसी में इसका मतलब 3 फेज 4 वायर सिस्टम का 3 फेज 3 वायर सिस्टम भी अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो भी आपको 3 वायर चाहिए होंगे। तो डीसी के अंदर आपको खाली 2 वायर चाहिए। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट, सर्ज प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स खाली एसी के अंदर होती हैं, डीसी के अंदर नहीं होंगी। स्किन इफेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किन इफेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये दोनों तरह के इफेक्ट एसी के अंदर होते हैं, डीसी के अंदर नहीं होते। पोटेंशियल स्ट्रेस कम होता है। चार्जिंग करंट ड्यू टू कैपेसिटिव चार्जिंग। कैपेसिटिव चार्जिंग बेसिकली क्या होती है? जो वही जब आपको बताया था कि दो तार हैं, दो तार अगर इसके अंदर एसी फ्लो कर रही है, एसी में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इस ये भी मेटल का बना हुआ है, ये भी मेटल का बना हुआ है और बीच में कैपेसिटेंस है, तो ये जो इमेजिनरी कैपेसिटेंसेज जो लगी हुई हैं इसके अंदर, छोटी छोटी कैपेसिटेंसेज, ये सब अपनी अपनी चार्जिंग करंट ड्रॉ करती हैं। तो नतीजा क्या है कि उसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो चार्जिंग करंट, डीसी के केस में चार्जिंग करंट भी नहीं आती। कोरोना लॉस कम होते हैं एंड सेवरल अदर थिंग्स। एसी के केस में ओवरहेड लाइंस की जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि इंसुलेशन, कोरोना लॉस से बचने के लिए इंसुलेशन ज़्यादा आपको रखना पड़ता है। और बाय द वे, ये वाली चीज़ आपको पता होगी कि ओवरहेड लाइंस में कोई इंसुलेशन, तार जो होता है वो इंसुलेटेड नहीं होता। इंसुलेशन कहाँ कौन सा होता है? बस खाली एयर की वजह से, जो जितना आपको इंसुलेशन चाहिए उतना आपको दोनों तारों को अलग अलग कर देना है, डिस्टेंस दोनों में इंक्रीज करना पड़ता है, उसी से आपको इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। इंसुलेशन उसके ऊपर लगा हुआ नहीं होता है। तो कोरोना लॉस क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको उतने ही वोल्टेज के लिए इंसुलेशन देने के लिए आपको डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा करना पड़ जाता है। डिस्टेंस बड़ा करने की वजह से नुकसान क्या हो जाएगा? सपोर्ट्स, लाइन सपोर्ट्स जो है, यानी पोल्स जो हैं, पोल्स आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो क्रॉस आर्म्स होंगी, क्रॉस आर्म्स बेसिकली क्या होती है? ये मान लीजिए पोल है, तो पोल की ये क्रॉस आर्म होती है, एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर जा रहा है, तो ये क्रॉस आर्म आपको ज़्यादा लंबी करनी पड़ जाएंगी, इसका मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्स आपको लगाने पड़ जाएंगे। कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, इस तरह की चीज़ें सब देखिए। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसी बढ़िया है कि डीसी बढ़िया है?
एसी उसमें ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जितना भी आपका नॉर्मल लोड होता है वो सारा सर एसी ही होता है। अगर आप डीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हर जगह आपको डीसी टू एसी कन्वर्टर आपको हर जगह लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि लोड सारा सारा आपका एसी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बाय एसी, तो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस क्या होती है, ट्रांसमिशन बाय डीसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय डीसी। ऑल्दो इंडिया में ज़्यादातर जहाँ भी है हर जगह ट्रांसमिशन भी एसी ही करा जाता है, डीसी ट्रांसमिशन करते नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये किताब में जो है, क्योंकि कई फॉरेन ऑथर से भी इन्होंने हेल्प ले रखी है, इसलिए वहाँ पे जो फॉरेन प्लेसेस हैं वहाँ पर डीसी में ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए वो वाली चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम्स में, इसमें अगर आप कंपेरिजन करते हैं तब क्या क्या मिलेगा आपको? सेफ्टी, कौन सा ज़्यादा सेफ है? अंडरग्राउंड ज़्यादा सेफ है। इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा हाई होगी? अंडरग्राउंड की ज़्यादा हाई होगी। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ओवरहेड वाले की, जब चाहे तोड़ के आप दूसरी तरफ कर सकते हैं। अंडरग्राउंड में आपको बड़ा ट्रेंच खोदनी है पूरे यहाँ से वहाँ तक, उसमें केबल ले करना है, बड़ा इंसुलेशन देना है, मॉइस्चर से उसको बचाना है, सेवरल थिंग्स, ये सब जो होते रहते हैं, ट्रेमर्स, अर्थक्वेक्स वगैरह जाते हैं, उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, बहुत सब चीज़ें उसके अंदर देनी पड़ती हैं। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी आसानी से आप एक लाइन जो यहाँ से वहाँ तक जा रही है उसके बजाय आपको अगर ये लाइन इधर से लेके जानी है तो ओवरहेड वाले में बड़े आराम से आप एक खंभा निकाल करके चेंज कर सकते हैं उसका पाथ। वर्किंग वोल्टेज किसका ज़्यादा हो सकता है? अंडरग्राउंड में आप एक, देयर इज ओनली लिमिट कितनी आप गहरी वो ट्रेंच यानी कि वो नाली जो है कितनी गहरी खोद सकते हैं, उससे ज़्यादा आप खोद नहीं सकते, चौड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। ओवरहेड वाले में आपको खाली क्रॉस आर्म्स की लेंथ बढ़ा देनी है और आराम से वर्किंग वोल्टेज आप बढ़ा सकते हैं उसमें। मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी? अपने अंडरग्राउंड में सबसे बड़ा फायदा यही है उसकी मेंटेनेंस नहीं है, एक बार आपने अंडरग्राउंड करके आपने सील कर दिया तो वो बंद हो गया, अगर अर्थक्वेक्स वगैरह नहीं आ रहे तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं होती, वो बड़ा बढ़िया तरह से सील्ड होता है, पूरी तरह सॉलिड सिस्टम होता है, एकदम टफ लेइंग होती है, उसके अंदर एकदम बंद कर देते हैं उसके अंदर। तो ओवरहेड वाले में कई तरह की चीज़ें टूट फूट होती रहती हैं, प्रॉब्लम चलती रहती हैं, स्पेशली विद सेवरल थिंग्स, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरहेड वाले की ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट्स और फेलियर्स किसके ज़्यादा होंगे? जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी, किसकी? ओवरहेड की। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स, ओवरहेड। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप किसमें ज़्यादा होगा? अंडरग्राउंड सिस्टम्स में, क्योंकि दोनों जो केबल्स होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, इसलिए उनके बीच में कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है। जितना दो पैरल प्लेट कैपेसिटर में, याद है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो डी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डी की वैल्यू कम हो जाएगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, जितनी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी उतनी कैपेसिटिव चार्जिंग करंट जो ड्रॉ करी जा रही है, कैपेसिटिव चार्जिंग करंट सब लोग समझ रहे हैं, कैपेसिटिव चार्जिंग करंट क्या होती है, मतलब ये इमेजिनरी कैपेसिटेंसेस जो बनी हुई हैं ये अपनी अपनी करंट ड्रॉ करती रहती है थोड़ी थोड़ी, वो कैपेसिटिव चार्जिंग करंट बढ़ जाती है उसका। अपीयरेंस किसकी बढ़िया होती है? फॉल्ट लोकेशन और रिपेयर किसमें आसान होता है? ओवरहेड में। चार्जिंग करंट किसकी ज़्यादा होती है? अंडरग्राउंड की। डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स, ओवरहेड। ठीक ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ वर्किंग वोल्टेज ऑन साइज ऑफ फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वर्किंग वोल्टेज के कम या ज़्यादा करने की वजह से जो फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पर क्या फर्क पड़ता है, ये वाली चीज यहाँ पर है। तो दो इफेक्ट होते हैं इसके। नंबर वन, अगर आप ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर यूज करते हैं, इफ़ यू इंक्रीज द वोल्टेज टू एन टाइम्स, जो शुरुआत में जो आपके पास वोल्टेज था दैट वॉज वी वोल्ट्स, इफ दैट इज इंक्रीज टू एन टाइम्स वी, अगर वी से बढ़ा करके अगर आप एन टाइम्स वी कर देते हैं, एन टाइम्स वी वोल्ट्स अगर आप कर देते हैं, तो उसकी वैसे फर्क क्या पड़ता है, लेट्स सी दैट। एक ट्रांसमिशन लाइन है, फीडर, इसके अंदर करंट जा रही है आई, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप दैट इज इक्वल टू वी वोल्ट्स, करंट इसके अंदर जा रही है आई एम्पियर्स, नहीं वी इज द सप्लाई वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू छोटा वी होगा, हाँ वी वोल्ट्स
यहां पर सप्लाई वोल्टेज वॉज वी। अब वोल्टेज जो है वी की जगह अगर एन टाइम्स वी कर दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको डेफिनेट अमाउंट ऑफ पावर यहां से वहां तक पहुंचानी है, टोटल पावर जितनी आपको पहुंचानी है, दैट इज वी आई वॉट्स। अगर वोल्टेज को एन टाइम्स वी कर देंगे तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब कितनी? 1/n मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। अगर वोल्टेज की वैल्यू आपने एन टाइम्स वी कर दी तो आपको पावर कितनी चाहिए? पावर तो चाहिए वी इंटू आई, तो एन वी इंटू आई अपॉन एन कर देंगे तभी आपको वी एन आई इतनी पावर ही चाहिए, ज्यादा आपको पावर नहीं चाहिए, पावर आपको इतनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू हो जाती है आई बाय एन। अगर करंट की वैल्यू आई बाय एन 1/n इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब जो केबल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी डिक्रीज कर गई। करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर आई बाय एन 1/n टाइम्स डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट ऑल्सो डिक्रीजेस बाय 1/n। दिस इज फॉर द केस ऑफ फीडर्स। करंट डिक्रीजेस बाय 1/n टाइम्स, इसलिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट ऑल्सो डिक्रीजेस बाय एन टाइम्स। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में ये डिस्ट्रीब्यूटर ए बी है जिसके अंदर करंट है आई एम्पियर्स, वोल्टेज यहां पर वी है और यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज वी वोल्ट्स। अब इस केस में आप ये मानते हैं दिस शुड हैव अ परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वी वोल्ट्स। इसका कहने का मतलब क्या है? इसकी ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्ट्रीब्यूटर का तार है इसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इसके अंदर देयर शुड नॉट बी एनी मोर वोल्टेज ड्रॉप देन वी वोल्ट्स। इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप वी वोल्ट्स ही होना चाहिए, रेजिस्टेंस इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली क्या हो गया कि इसमें आर इज इक्वल टू वी बाय आई, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या है? वोल्टेज ड्रॉप जितना इसके अंदर वी हो रहा है दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर। तो इस रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू और लेस देन वी बाय आई, इतना ही इसके अंदर होना चाहिए। अब अगर आपने वोल्टेज वी के बजाय एन टाइम्स वी कर दिया, एन टाइम्स वी अगर कर दिया तो करंट की वैल्यू हो गई आई बाय एन। करंट की वैल्यू अगर आई बाय एन हो गई तो इसका जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप दिस इंक्रीजेस बाय एन टाइम्स वी। तो नई जो आर की वैल्यू है आर डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन आई बाय एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। तो अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो गई है और जितनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी उतना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में द क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूसेस बाय 1/n2। तो नया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए डैश विल बी इक्वल टू 1/n2 टाइम्स। जो पहले जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए आपने वी वोल्ट्स पर ट्रांसफर करा होता, वी वोल्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन किया होता, तब इसमें अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए होता तो अगर आप इसको एन टाइम्स वी कर दें तो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट बिकम्स 1/n2 टाइम्स ए बाय एन स्क्वायर, इतना लूज कर जाएगा। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें फायदा होता है इन्फ्लुएंस ऑफ वर्किंग वोल्टेज, फर्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया। फीडर्स में और डिस्ट्रीब्यूटर्स में दोनों में आपने देखा कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज रिड्यूस, फीडर्स केस में इट इज रिड्यूस बाय 1/n टाइम्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स केस में इट इज रिड्यूस बाय 1/n2 टाइम्स। देन नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। सेकंड पॉइंट इज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें इस तरह दे रखा है ये फीडिंग पॉइंट है, लेट दिस वोल्टेज बी वी वोल्ट्स,
करंट इज आई एम्पियर्स, रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर इज आर ओम्स. तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय टू. दो कंडक्टर्स हैं तो टू इंटू आई इंटू आर, इतना टोटल वोल्ट ड्रॉप. तो अगर यहां पर वी है तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा? यहां पर वोल्टेज वी, जो सप्लाई एंड है जहां लोड आपने लगा रखा है वहां पर वोल्टेज वी मिल रहा है आपको. इसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया टू आई आर, तो यहां पर वोल्टेज कितना दिया गया होगा? वी प्लस टू आई आर. ये हो गया वी प्लस टू आई आर. इतना वोल्टेज आपने दिया, इसमें से टू आई आर बीच में ड्रॉप हो गया, बचा हुआ वोल्टेज वी वो आपको यहां पर बाहर मिल गया. तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी आई आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, वी प्लस टू आई आर इंटू आई. ठीक. और नेक्स्ट केस में इफ वोल्टेज इज इंक्रीज बाय, वोल्टेज बिकम्स एन टाइम्स वी, देन करंट बिकम्स आई बाय एन, और रेजिस्टेंस ऑफ ईच केबल बिकम्स एन टाइम्स आर. ये वाली चीज हम पिछले केस में देख ही चुके थे. देन वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप टू आई आर था, इस केस में क्या हो जाएगा? टू इंटू आई बाय एन इंटू एन आर, विच इज बेसिकली सेम दिस इज टू आई आर. ये उतना का उतना ही रहा वोल्टेज ड्रॉप, उतना का उतना ही रहा. तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एन आर, इट इज अ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है. फीडर केस में वन बाय एन टाइम्स होता है, तो इट्स ओनली एन टाइम्स. डिस्ट्रीब्यूटर केस में वन बाय एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है. तो इस कंडीशन में दिस इज वोल्टेज इज एन वी इंटू आई बाय एन अपॉन एन वी प्लस टू आई आर इंटू आई बाय एन, ये आ गया. तो ये n और ये n कैंसिल कर जाते हैं. सो वी आई अपॉन एन वी प्लस टू आई आर इंटू आई बाय एन. और इसमें उसने न्यूमेरिकल लिख करके उसने बताया हुआ है, वैल्यूज लिख करके उसने इसके अंदर क्लियर किया हुआ है कि इफ़ यू डू दिस, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, डिक्रीज कर जाती है विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी की वैल्यू इट इंक्रीजेस इस कंडीशन. ठीक. तो दूसरा केस बेसिकली क्या है? दो पॉइंट होते हैं, अगर आप सिस्टम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो दो फायदे आपको मिलते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो रिड्यूस कर जाता है, और दूसरा बेसिकली क्या है कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन दैट इंक्रीजेस. ठीक.